एक ऐसा मंदिर जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि त्रिदेवों का वास है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां त्रिदेव एक साथ नजर आते हैं। क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी और रहस्य, आज किस खास वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें और आप घर बैठे बैठे ही इस लॉकडाउन में मंदिरों के दर्शन कर सकें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब के अलावा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी इंस्टाग्राम पर जाएं और मंदिर दर्शन अवश्य फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी हम अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। YouTube के साथ साथ Instagram पर भी आप हमसे जुड़कर बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मंदिरों से जुड़ी हुई। तो देर किस बात की, अभी Instagram पर जाकर हमें फॉलो अवश्य करें। चलिए अब जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं त्रिदेव नजर आते हैं, हर कोई जानता है। महाराष्ट्र में काफी अनोखे और अद्भुत मंदिर देखने को मिलते हैं जिसमें शिरडी भीमा शंकर शिव मंदिर, एलोरा, एजंता गुफाएं, बहुत सारे चीजें शामिल हैं। लेकिन उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसे शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। कहते हैं इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें ये महाराष्ट्र में नासिक शहर से 35 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के अंदर छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और शिवजी यानी त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। काले पत्थरों से बना ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कहते हैं यहाँ गाय को हरा चारा खिलाने का बेहद चलन है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक का सफर 35 किलोमीटर का है। इस मंदिर में प्रवेश से पहले यात्री कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। यहाँ हर सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है। इस मंदिर की नकाशी बेहद सुंदर है दोस्तों। ये पालकी की कुशावर्त लाई जाती है और फिर वहां से वापस लाई जाती है। साथ ही दोस्तों, इसी स्थान में अहिल्या नाम की एक नदी गोदावरी में मिलती है। कहा जाता है कि दंपति इस संगम स्थान पर संतान प्राप्ति की अगर कामना करते हैं तो उन्हें जरूर प्राप्ति होती है। मंदिर के आसपास की खूबसूरती देखते ही बनती है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महाभिषेक के लिए पंडितों की व्यवस्था होती है। दोस्तों, अगर आप बिना लाइन में लगे ही मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति 15,000 रुपए देने होंगे। अभिषेक के लिए यहाँ पंडित जी को अलग से ही रुपए देने होते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप मंदिर में पूर्व और पूरे विधि विधान से भगवान त्र्यंबकेश्वर का अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अनोखे मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको बता दें त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए नासिक पहुंचा जाता है और भारत के हर क्षेत्र से रेल और सड़क मार्ग से ये जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से जाने के लिए औरंगाबाद और पूर्ण हवाई अड्डे समीप है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है और नासिक पूरे देश से रेल और सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो आप जरूर जाइएगा। भविष्य में इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।